जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर आप नर्सिंग भर्ती का वेट कर रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नर्सिंग पदों के लिए 2345 नर्स के पदों पे भर्ती आ चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 26 फरवरी रहेगी और योग्यता आपकी ANM GNM रहेगी। तो पूरा कैसे आपको आवेदन करना है वो पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि भारत के किसी भी राज्य में कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आता है, कोई भी नर्सिंग की भर्ती आती है, तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो देखते हैं पूरा क्या है प्रोसेस, कितने पदों के लिए है, क्या रहेगा आपका पेमेंट, क्या रहेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं क्या है क्राइटेरिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जॉब नर्स पदों के लिए 2345 भर्तियाँ, ऐसे होगा सिलेक्शन। MRB नर्स रिक्रूटमेंट मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड 2345 नर्स पदों पर उम्मीदवारों का चयन करने जा रहा है। इसके लिए उम्मीदवार 26 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नर्स पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से 2345 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार 26 फरवरी तक इसके लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इस भर्ती के अप्लाई करना चाहते हो तो इन पदों के लिए आप योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी दोस्तों इस प्रकार है। आपकी योग्यता, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल नर्सिंग की पढ़ाई और 6 महीने की ट्रेनिंग होनी आवश्यक है। दोस्तों बताना चाहूँगा, जो पोस्टिंग तमिलनाडु में है, तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं मिले तो कम से कम तमिलनाडु हो, जो कहीं पे हो आपका अगर सपना है गवर्नमेंट जॉब का, एक बार वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके स्टेट में आती है तो वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हो, आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये अच्छी पोस्ट है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो इसको। भर्ती के लिए 18 साल से 32 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। जनरल से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आरक्षित वर्गों के लिए आपके लिए 15 साल की भी छूट दी गई है, बहुत बड़ी छूट दी गई है। OBC SC ST आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए 15 साल की छूट है। आवेदन फीस बताना चाहूँगा, आवेदन के लिए SC ST वर्ग के लिए उम्मीदवार को 350 और अन्य जो भी है उनका 700 रुपये फीस देना पड़ेगा। फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन करने की आखिरी तिथि 27 फरवरी है, लेकिन 26 तक आपका लास्ट हो जाएगा। पेमेंट वगैरह लास्ट तक आपका 27 तक करना है। एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। कैसे होगा सिलेक्शन, उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। आप आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग के बहुत बड़ी भर्ती है, तो आप ऑनलाइन विजिट करके इसको अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप नर्स के पद पर भर्ती होना चाहते हो तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप अपने स्टेट की अगर भर्ती में बिल्कुल जाना चाहते हो तो पहले ये ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसके बाद में आप अपने स्टेट में आएगी, कहीं भी जहाँ आपको जाना है वहाँ पर आप जा सकते हो, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।